और ये दूल्हे की है मुझे तो लग रहा है ये दूल्हे की बहन है है मैं तो मान ही नहीं सकती घर पे तब तो भाई दूर, दूर। मैं तो फिर तो साथ में सोफे भी नहीं बैठेंगे मम्मी पापा लेकिन अगर कभी होते कहीं गए बाहर गए खड़े तो, मम्मी को मैं मम्मी तो, हाँ, तो मैं, मतलब शोल्डर ऐसे होंगे हल्का जस्ट टच हो गए ना भाई ओ माई है पर हम लाइन क्रॉस नहीं करेंगे Are you kidding me? I told you I am not gonna do it, and GK yet you have the karnei, audacity baal. to mention it again. <laughs> what is mitochondria? Power of the cell. Yes, that is correct. <laughs> seven answers. Oh boy, you two are Do Chashmash Podcast.

माई वीक वेरी बोरिंग वेरी बोरिंग आई डेंट डू अलॉट या आई डेंट डू अलाट आई डेंट डी आई डोट डू एनी थिंग वीकेंड मेरा पूरा वीकेंड ऐसा था मतलब पूरे दो दिन चिल कोई काम नहीं कुछ नहीं थोड़ी देर बाहर गया मैं अपने यहाँ पे मेरे यहाँ पे एक वो है लेक है थोड़ा सा दूर जाके ना तो वहाँ पर चले जाता हूँ मैं कभी कभी बैठने के लिए मजा आता है वहाँ पर तो वहाँ पर गया और फिर आज तो मेरा वहाँ पे जाने का मन नहीं किया आज लाइक यार नहीं कहीं नहीं जाना बस घर तो में बैठो कोई किसी से नहीं मिलना कुछ नहीं करना तो इट वॉज वेरी बोरिंग तेरा बता तू तेरा वीक कैसा था मेरा वीक भी, भी काफ़ी स्लो था कंपैरेटिवली काम को लेकर और ये सब बट सही चल रहा था और मेनली मैं सिर्फ एक चीज़ के लिए एक्सरसाइज एक क्या होता है वो एक्सरसाइज थी तूने एक्सरसाइज की थी एक चीज़ के लिए మేలీ వాస్ ఎక్సైటెడ్ థి వాస్ ఎ ఫంక్షన్ ఇన్ ది స్ట్రీట్ ఇట్ వాస్ ఏ గుడ్ ఫ్యామిలీస్ పీపుల్ సో ఐ వాస్ లైక్ వెరీ ఎక్సైటెడ్ వి గో టూ దట్ వాట్ డూ యు మీన్ గుడ్ ఫ్యామిలీస్ మెన్ ఇస్ ది ఆదర్ ఫ్యామిలీస్ నాట్ గుడ్ ఇన్ ది స్ట్రీట్ యర్ గుడ్ ఐ మీన్ లైక్ స్మాల్ రిచ్ పీపుల్ ఇన్ ది సెన్స్ ఆఫ్ రిచ్ పీపుల్ వి గో టు మోర్ రిచ్ ఫంక్షన్స్ ఐ వాస్ లైక్ వెరీ ఎక్సైటెడ్ ఫర్ ద హౌ మచ్ రిచ్ మెన్ గివ్ us లైక్ एक हैं एक कितनी गाड़ियां गाड़िया है।, गाड़िया है दो तीन है अच्छा पार्टी देंगे अच्छा पार्टी है मोटी पार्टी है, मोटी पार्टी तो, है अच्छी पार्टी देंगे घर में शादी घर में अभी सगाई थी अच्छा सगाई थी शादी दो मंथ बाद बट एनीवे वे तो कैसी हुई सगाई फिर

आ, है, तो हमने एक हाँ. नहीं हम सब महंगे हाँ. कपड़े so that, so. भाई लिए एक <laughs> कपड़े लिए तो हम दो करोड़ वालेगा खर्चा नहीं हो जाए कोई दिक्कत नहीं है वो कपड़े दिखने चाहिए

मेहंदी तो ट्रेडिशन, भाई मेहंदी लगाना ट्रेडिशन है का का मेहंदी क्योंकि अब तो भाई ऐसा है कि भाई पांच तो भी तो तो हो है है हर एक कपड़े पहन के आपको आपको हाँ। करनी, करनी अगर हल्दी है। है तो आपको फूल वाली ज्वेलरी पहननी है कहाँ पे फूल वाली ज्वेलरी होती है कहाँ पे हल्दी पे हाँ, फ्लोर, फ्लोरल, फ्लोरल व्हाइट कपड़े, ये ये कपड़े पहनो ये ये वाइट, 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 वाइट पहनो पहनो वाइट ये व्हाइट हाँ। हाँ। अच्छा, हाँ हो जाते हैं ना क्योंकि हल्दी होती है इवन एक, एक और चीज होती है ना कि हल्दी वाले दिन ढोल आएगा फिर डीजे नाइट पर ढोल आएगा उसके बाद वो लड़की जब घर जा रही होती है ना शादी का तो ढोल है ही है देखे। देखे। आ, विदाई। के बाद विदाई हाँ विदाई पे भी ढोल आता है ढोल वाला घर तक छोड़ के जाता है कि भाई कि मेरी बेटी है बहुत ज्यादा यार इंडियंस आर वेरी एक्स्ट्रा बट आएम लाइक लिविंग फॉर इट टू बी वेरी यूनस लाइक दिस इज अमेजिंग आई लव इट मेरे को ये चाहिए एक्स्ट्रा वन इन लाइफ लाइक like, ऐसा oh. सोचता ना मैं oh गॉड अपने घर की शादी में हम उनके घर में शादी में थे ना तो मतलब सगाई में थे मैं पापा को गए पापा नोट्स ले लो क्या दुल्हन ने एंट्री मारी जब तो पूरा ढोल बजा प्रॉपर दुल्हन इतना नाची धम धुराध फुल नाची वो एंड मतलब वेन्यू वॉज गुड एवरी वॉज गुड बट ना आई

आई एट चिल्ली पनीर आई एट चिल्ली पोटैटो आई एट मतलब जो भी वो सारी चीजें होती है ना पोटैटो टॉट्स भी थे पर इतने गंदे थे यार मतलब उससे तो अच्छे वो जो कहां पे थी शादी वेन्यू बता मरीन, दे हमारे इन मरीन ड्राइव करके बैंक्वेट था यार नाम अच्छा था मरीन ड्राइव मुंबई का मुंबई हाँ, में थी शादी <laughs> नहीं, क्या बात कर रही है क्यों मुंबई गई नहीं अशी ये वाला मरीन ड्राइव जाना ही किस्मत में, <laughs> में था भाई जहाँ भाई घटिया खाना दोनों मुंबई में भी और दिल्ली के मरीन ड्राइव exactly. में भी। दोनों जगह चल जाए भाई स्ट्रीट फूड कहीं पे अच्छा नहीं आशी दिल्ली में बहुत अच्छा स्ट्रीट नहीं मतलब दिल्ली वी... में मरीन ड्राइव जो रेस्टोरेंट है या वट एवर हॉल उसमें नहीं है बाकी दिल्ली में बाकी जगह पे भाई तुम मंजीत पे चल जाओ ओहो हो क्या मस्त है क्या बात? ओहो, टमी जेल ओहो, हो, हो, क्या बढ़िया खाना तो जाते रहते आपके लिए भाई देखो अगर कोई दिल्ली रहता है ना सुभाष नगर में ना एक शोरमा वाला खड़ा होता है बंदा और वो कम से कम सात साल से खड़ा हो रहा है वहीं पे

एक दो तीन चार छ लेयर्स दिख रही थी उसके अंदर वन टू थ्री लाइक ऑल द टायर्स लाइक नो ऑफेंस नो बॉडी शेमिंग लाइक यू गॉट अ लाइक एट लीस्ट सी वॉट यूर वेयरिंग इज यू नो सूटिंग यू मतलब कहीं ना कहीं आपको इंसान को एक ना एक पल्ब में आकर ऐसी रियलाइजेशन होनी चाहिए कि यार ये मेरी बॉडी पे इतना अच्छा नहीं लग रहा है मतलब क्लाइंट ने बोला हो कि भाई यही नहीं क्लाइंट ने नहीं बोला होगा आई एम प्रिटी श्योर अबाउट दैट क्लाइंट इज अ वेरी कंजर्वेटिव बिकॉज दे लिव हियर ओनली और हमारे uh -huh. मोहल्ले में कोई ओपन माइंडेड नहीं है तो <laughs> क्या बोलता भाई क्लाइंट के वो अरे जीजू ने बोला ये तो करना ही करना है तो यार नहीं तो कम से कम उनको उस उन्होंने देख लिया होगा कि वो कैसी दिखती है आई डोंट थिंक कि वो ऐसे बोलेंगे कि तुम ये पहनना क्योंकि यार मेरी भी करवी बॉडी है तो अगर मैं ऐसी चीज़ें पहनती हूँ मुझे भी पता है वियर्ड लगता है सो इट्स लाइक नॉट अबाउट बॉडी शेमिंग बट यू

लेकर तीन बार कर तो नीचे से सब लोगों ने बोला कि दिस इज दूल्हे की बुआ कहती मैं तो दूल्हे की बहन ही बोलूंगी तो इतनी यंग लग रही हैं इतनी ब्यूटिफुल लग रही हैं जितनी लेडीज आप पहली बात तो मैम आर लुकिंग ब्यूटिफुल मैं तो कह ही नहीं सकती कि आप इतने मतलब क्या के इस रिलेटिव में हो या उस रिलेटिव में मैंने कहा भाई इतना तो झूठ मत बोल यार मोटी मोटी आंटियां यार सारी यार स्टॉप लाइंग टू लाइक मतलब दिस इज नॉट अ गुड थिंग टू डू फिर दूल्हे के पापा आ गए तो आप तो बिल्कुल दूल्हे के भाई ही लग रहे हैं सब कोई की चीज़ यार कोई भी बंदा नो बडी बाइंग इट ओके नो बडी बाइंग इट और उसके बाद हर चीज़ में ना अपने बकैती शेर वे जो मारने होते हैं इनको हाँ। मारने होते हैं कि आप उड़, उड़ के आए हो चांद से नूर आ गया वटेवर वटैर <laughs> और जैसे ही इनके परफॉर्मेंस इसका टाइम है क्योंकि इन सब ने डांस परफॉर्मेंस प्रिपेयर किया था कोरियोग्राफर बुलाया था तो एवरीथिंग वाज लाइक

ना भाई लिटरली वो बहुत ओल्ड है फर्स्ट थिंग सेकेंडली वेरी कंजर्वेटिव थर्डली वेरी सरकेस्टिक हरियाणा के ठीक है तो yeah. ये बात समझ ले उनसे कह रही है उनकी वाइफ को उनको स्टेज पे बोला कहती कि आपकी वाइफ आज इतनी खूबसूरत लग रही है इतनी ब्यूटीफुल लग रही है आप आप बताइए उनके हस्बैंड से पूछती आप बताइए इनकी खूबसूरती का राज उनको माइक दिया कहता oh आप उनसे खुद ही पूछ लो <laughs> कैन टोटली इमेजिन दिस भाई मेरे मम्मी पापा तो पता है हम छोटे थे ना मैं और मेरे भाई ना मम्मी पापा को कहते थे कि आ, पापा आप मम्मी का हाथ पकड़ के चलो भाई हमने exactly. लिटरली अपने मम्मी पापा को ऐसे फोर्स करते थे और पापा कहते चल mm. चल है.

खुद करो लो, तुम करो तुम करो करो तुम करो शाबाश करो, 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 करो। <laughs> उसके उसके बाद फिर चलो ये तो केक है उसके बाद जैसे मान लो कि जब दादा दादी कुछ अगर घर पे दादा है तब तो भाई दूर दूर मैं। तो फिर तो साथ में सोफे भी नहीं बैठेंगे मम्मी पापा लेकिन अगर कभी कभी होता है ना की कहीं गए हैं बाहर गए हैं और फोटो खिंचवानी है और मैं फोटो ले रहा हूँ ठीक है तो मम्मी पापा को मैं कह रहा हूँ मम्मी थोड़ा पार से होना ठीक है हाँ खड़े तो मतलब शोल्डर ऐसे टच हो रहे होंगे हल्का सा जस्ट टच हो गए ना भाई ओ माई गोल्ड बीवी है पर हम लाइन क्रॉस नहीं करेंगे हां लाइन क्रॉस नहीं करेंगे भाई ये आप क्या तो है भाई आ, आप केजो 3 किड्स हां आप तो भाई यार ये ये गलत है यार ये ये तो नहीं होना चाहिए बहुत ज्यादा फिर ने कहा चलिए चलिए मैं ही कुछ लाइनें बोल देती हूँ उनके इसमें हाँ। फिर शेयर बोल दिया अपना फालतू का ठीक है उसने हाँ। फिर उसने दूसरा क्वेश्चन पूछा कि आप बताइए कि आज वो कैसी लग रही हैं ये वो कह रही हैं मतलब ठीक है ओके लाइक वुड इवन से फिर ना <laughs> फिर ना इसको क्यों पांच हजार रुपए लगे के अच्छी लगेगी भाई <laughs> <laughs> पैसे <था> मेरे <laughs> में। तो मेरे गए फिर ना ठीक है, है, है फिर ना भगा दिया बोला बुलाया। बुलाया। बुलाया वो, वो आना चाहते हैं फिर ना लड़की के मम्मी पापा को बुलाया स्टेज पे लड़की के मम्मी पापा को बुलाया कहती है की आप कुछ कहना चाहेंगे इनके उसके लिए वो तो मतलब की आपने के लिए नहीं नहीं कहती

कहते हमने नहीं बोला <laughs> तो I love, I love रहे है <laughs> क्या <होता> रहे है? <laughs> कहते बस इतने सालों से बस इनकी उंगलियों पर नाच रहे इतना ही काफी तो फिर चलिए मैं ही कुछ दो शब्द इनके उसमें तो फिर हमने शेर मारा इसने बहुत ज्यादा भांग की उस बंदी ने फिर ना जिस दूल्हे जो भाई था और ना कह रही चॉकलेटी बॉय रणबीर कपूर आप तो बहुत हैंडसम लग रहे हो आज नॉट ट्रू नॉट ट्रू ठीक है तुम लड़की वाले की साइड से थे लड़कों वाली साइड से लड़कों वालों की साइड से थे अच्छा, ये हमारे पड़ोसियों की बात अपनी पार्टी अपनी पार्टी वाला तू नॉट ट्रू चॉकलेटी बॉय रणबीर कपूर तो नहीं लग रहा था अच्छा लग रहा था चॉकलेटी बॉय रणबीर कपूर तो नहीं था वो बिल्कुल भी नहीं था नो ऑफेंस कैरेमल बॉय रणबीर सिंह कुछ तो लग रहा होगा होगा वो अर्जुन कपूर कुछ तो होगा भाई वो फ्रूट एंड नट फ्रूटी फ्रूटी फेस नट्स इन द ब्रेन एंड नट्स

अच्छा पांच लड़कियों के मेकअप के प्रोडक्ट्स बताओ हाँ, तो और तो कुछ, हाँ, हाँ, हाँ। कुछ भी बोल दो काजल मस्कारा हाँ, हाँ, हाँ. लिपस्टिक कुछ भी और ये तो बड़ा हाँ, इजी है यार हाँ, exactly, उसने उसने भी ये बोला था ये तो बहुत इजी है उसने हाँ, बोल दिया अच्छा मतलब और... भाई इनको लगता है कि लड़कों को कुछ भी नहीं पता होता मतलब हाँ, सब बेवकूफ बैठे हैं वो ये प्रूव करना चाहती थी कि ओ गॉड मम्मी जी देखिए आपके लड़कों को लड़कियों के बारे में कितना कुछ पता तो लोग oh, oh, तो, ये <laughs> like, oh, yeah, yeah, yeah. <laughs> फिर नीचे से उसको दो तीन लोगों ने मतलब कंसिडर यह था हाँ हाँ ठीक है बस दो तीन चीजें वो ठीक <laughs> है थैंक यू फिर ना अब इनकी मेन इनकी सारी इनकी है तो ना कि मतलब चार तो ये भाई हैं चार भाई हैं तो ऑब्वियसली चार भाइयों की वाइफ है वाइफ है तो उनके सारे बच्चे हैं तो ये सारे एक साथ ही रहते हैं फिलहाल दे लिव ऑल दे ऑल लिव टुगेदर ओ माय गॉड हाउ वेरी हार्ड टू टेल बट वाओ ब्रो मतलब भाई हमारे घर वाले तो 20 25 साल में अलग हो गए थे कि भाई रहने दो exactly. हमारे आम, बच्चे नहीं है तो सॉरी यार तो मैं पर कैसी-कैसी बातें बता रहा हूं पॉडकास्ट में <laughs>

बहने बहने दूल्हे की बहने हाँ। तो उसके बाद लड़कों की बारी है लड़कों का परफॉर्मेंस था मेनली यार लड़कों का परफॉर्मेंस ही मस्त होता है तो जो तो पता है सारे कजन वजन इनके मिलके इन सब ने परफॉर्मेंस एक तो हर शादी में ना लड़कों का एक ग्रुप होता है वो ना सबसे टट्टी बेर मिनिमम डांस जो करते हैं वो जिप वाला वो लोटा हाथ में लेके वो जिप वाला जो करते हैं ये वो जरूर किया था, चुन्नी वाला जमीन पे लेट के, वो करके कुछ भीतर भीतर आग लगे ऐसा वाला गाना कुछ था या समिंग बॉलीवुड में गाने बड़े गंदे गंदे होते हैं यार जो मुझे भीतर भीतर आग लगे बात करू तो सेक लगे भाई बोला बहुत गंदा करू तो सेक लगे क्या बात करू तो सेक लगे

चांद क्या होता है वाइट निकल गई वो ठीक है ओके शी स्वॉलोड ओके चांद अंग okay. पे ऐसे छाले पड़े अंग पे छाले पड़े क्योंकि चांद गर्म है तो <laughs> अगर, अगर आप कैसे रूफ माउथ के रूफ में चला गया तो छाला हो जाता तो कभी कभी <laughs> तेज का झोंका का करूं तेज का झोंका हाँ, मतलब इसका मतलब क्या होगा झोंका लाइक हवा का झोका झोका क्या करूं क्या करूं सी सी करती मैं मरूं। <laughs> सी -सी करती मैं मरूं। <laughs> जवा पे लागा जी, लागा जी रे नमक इश्क का तेरे इश्क जी नमक इश्क का तेरे मेरे को तो एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है कितना गाना यार गंदा मीनिंग है मतलब Single meaning, which is double. Oh my god. <laughs> सच नहीं नहीं दासा। यार, ये गाना अच्छा। नहीं था वो कोई और गाना था, पर बिल्लो, अच्छा, बिलो रानी था वो हाँ सिंगर अच्छा। <laughs> okay, okay. ही बट वो स्टेज पे कहती सब लड़के स्टेज पे परफॉर्मेंस के लिए वो इंक्लूडेड है परफॉर्मेंस में तो कौन होती है उसको बोलने वाली दूल्हे वो मैं भी करूंगी पता नहीं क्या कर रही थी वो तो ना वो ऐसा रुक गया फिर ना उनके उसके भाई भाई ने बोला मतलब कि ब्रो लाइक ही इज आल्सो इंक्लूडेड किसी अच्छा इनकी भी परफॉर्मेंस है क्या मैं तो सोच रही थी इनके साथ एक अलग से कोई एक्टिविटी कर लूँ या करवा दूँ ये वो पर कहती कोई बात नहीं एनी नहीं, वे जाओ आ जाओ आप स्टेज पे आ जाओ तो हु आर यू टू गिव परमिशन फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड बी कम्युनिकेटिंग कि आपको किसका परफॉर्मेंस किस है क्या नहीं परफॉर्मेंस है क्या है हां exactly, बताओ हमें आगे

रोडी बन के एंकर बन रहे हो तो आप मतलब आप वो कोर्सेज भेज सकते हो <laughs> कि भाई ये लो कर एक्सपीरियंस बट वैसे इंटरटेनिंग परफॉर्मेंस हम नोट्स ले रहे थे कि क्या हमें परफॉर्मेंस करनी है अपनी बहन की शादी पे नहीं करनी है कैसे करना है ये वो बट ठीक था बट खाने में मुझे मजा नहीं आया बाकी वैसे खाने में भांग मेरे को लगता है ये सारी चीजें रखवानी चाहिए भिंडी भिंडी सब क्या मतलब है ये सब भिंडी कौन खाता खाने में यार सब्जियाँ भी नहीं खाती होंगी ब्रो जस्ट टू शो ऑफ ना कि हमने 25 तरह की सब्जियां रखवाई थी कोई नहीं खा रहा वो 25 सब्जियां सब पनीर ही खा रहे सब छोले ही खा रहे हैं ठीक है आपकी भिंडी कोई नहीं खा रहा आपका दाल बाटी चूरमा कोई नहीं खा रहा कोई मतलब नहीं है दाल टी चूर मारक बनेगा व्हाट इज दिस ये भी है मैं एक शादी में गया था आशी बचपन में बचपन में तो नहीं मैं थोड़ा बड़ा था उस टाइम पे लेकिन उस शादी में ब्रो लिटरली डोमिनोज आए हुए था मैकडॉनल्ड्स वाले आए हुए थे KFC वाले आए हुए थे एंड उसके अलावा स्टारबक्स आया हुआ था एंड आई नो लास्ट टाइम मैंने बताया था ना कि मैं स्टार बक्स में नहीं गया कभी बट यहाँ पे स्टारबक्स था और इतनी भीड़ थी कि मैं जा ही नहीं पाया उस शादी में इतनी भीड़ सिर्फ स्टार बक्स में थी वहाँ पे मैंने सिर्फ कुकी खाई थी कॉफी वॉफी कुछ भी नहीं पी उस वाले स्टार में शादी वाले में और उसके अलावा भाई दुनिया भर के मतलब

No pizzas, no pizzas, veg, 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 नो नॉन वेज पिज्जा नो चिकन पिज्जा कुछ भी सब वेज वेज तो ये इंडियन फैमिलीज में मोस्टली सारे वेजिटेरियन ही होते Bro, इतना हो जाता है और सुन

कि आपके ऐसे नहीं है कि सब्जियां बड़ी हुई हैं पच्चीस वहाँ पे कुजीन्स है पच्चीस कि भाई यहाँ पे थाई कुजीन है यहाँ पे आपको पैड थाई मिलेगी यहाँ पे आपको थाई थाई फिश मिलेगी थाईलैंड का सामान मिलेगा फिर ये ये वाला इंडियन है तो ये इंडियन में भी नॉर्थ इंडियन की एक अलग लाइन है साउथ इंडियन की अलग लाइन है अच्छा फिर ईस्ट इंडिया की अलग लाइन है वेस्ट इंडिया की अलग लाइन है कि यहाँ यहाँ पे सारी चीज़ें फिर इटालियन का अलग फिर फ्रेंच फूड का अलग फिर अमेरिकन फूड का अलग अमेरिकन फूड में थे ये सारे के और ये सब जितने भी है ना जितने ब्रांड हैं डोमिनोज वगैरह ये सब अमेरिकन फूड का था डोमिनो जबकि इटालियन होना चाहिए अगर पिज्जा को देखा जाए तो, तो वहाँ पर चार पाँच दो तीन टेबल थी लब, लंबी लंबी उस पर स्टोव लगे थे

जो कि और ये बात ब्रो दस बारह साल पुरानी है ये तो अब ये चीज़ें कॉमन हुई है कि भाई चलो ठीक है सारे लोग मिल कर लो लेकिन उस टाइम पे ब्रो एक स्टॉल था जहाँ पे ना सिर्फ एक तो अच्छा दो दो अलग अलग अभी अभी एक तो मिठाई का था तो मिठाई भी ऐसे वाले नॉर्मल वाला नहीं कि कि, भाई कि आए आप और आपने मिठाई ले ली नहीं नहीं आपको अलग अलग चीजें फ्यूजन करके देंगे कि गुलाब जामुन के ऊपर रबड़ी डाल के देंगे कि ये लो उसके बाद okay, भाई आपको प्रॉपर से आए हाँ फ्यूजन ब्रो प्रॉपर फ्यूजन अच्छा उसके बाद एक पान का था भाई बाहर जाते है ना एक प्रॉपर स्टॉल था पान का और सुन एक जो सबसे तगड़ी चीज थी ना वहां पे जो सबसे तगड़ी आज तक मैं देखी पता है। बता दे मोमोज मोमोज तो यार उस टाइम पे इतने फेमस थे भी नहीं अच्छा वहां पे पता क्या था बाहर जाते टाइम ना बच्चों के लिए एक कैंडी स्टोर था एक कैंडी स्टोर जो जिसके अंदर वो स्नेक वाली कैंडी और जेली जेली बीन्स जेली वाली जो नहीं होती जेली स्नेक्स हाँ, होते हैं और पांखा हाँ, वो बिल्कुल रंगीन रंगीन कर रखे शुगर कोटे टाइप के ठीक है और अच्छा वो सुन वो जो टेडी बेयर होते हैं छोटे जो गमी बेयर टाइप के हाँ, गमी हाँ। बेयर भर के और मतलब आपको कैसे की हर बच्चे को एक मुठ्ठी अलाउड है उठा के जितनी जितने हाथ में आते हैं उतने ले जाओ या आपके नैपकिन लेके आओ नैपकिन के अंदर आपको डाल देंगे उससे आया नहीं क्योंकि उनको ये था कि बच्चों के दांत भी ख़राब ना हो जाए बट उनको वहाँ पे लगाने भी इसलिए थी कि भाई कि चल ठीक है तो भाई मम्मी भाई क्या कर रही थी लिटरली अपने पर्स में पूरा वो एक सेक्शन इकट्ठा कर रही थी कि भाई इसके अंदर भर दो तो लोग जा रहे हैं अपनी पूरे पूरे पर्स भर रहे हैं आंटी छोटे छोटे बैग लेके आई हुई थी आंटी और वो पूरे पूरे भर के जा रही है कि भाई बच्चों को बाद में भी खाने को मिलेंगे पूरे हफ्ता हम डिवाइड करेंगे इसी कैंडी को लिटरली इस तरीके को हिसाब कह और इट वॉज वन ऑफ द मोस्ट फेंट लेवल की वेडिंग जो मैं आज तक अटेंड करी है नॉट इन सो अमेजिंग सो फैन मैं एक so नॉर्मन लेवल पे गई थी मतलब हाँ। जिसमें

सुबह मुंबई में ना मुंबई में पता नहीं कहाँ पे है एक बहुत बड़ा वो है अम्यूज़मेंट पार्क है वो वाटर पार्क टाइप का तो वहाँ पे ऐसल तो वर्ल्ड था पता नहीं कहाँ पे जहाँ वाटर वाटर स्लाइड्स भी एसल वर्ल्ड था आई थिंक सो भाई वहाँ पे शादी थी और वहाँ पे लिटली पूरी फैमिली एसल वर्ल्ड के रिजॉर्ट में रुकी हुई थी जो भी उनकी फैमिली थी वहाँ उस साइड की और वहां पे बच्चे मम्मी पापा हैं भुआए है, और उनकी बहनें वट एवर दूल्हे की बहनें सारे के सारे लोग भाई एसल वर्ल्ड की झूले झूल रहे हैं और पूरा का, पूरा का है बिकॉज ऑफ देयर फैमिली की वो पूरे पूरा दिन उनकी फैमिली एंजॉय करेगी यहाँ पे ब्रो ये तो लेवल होता लोगों की शादियाँ करने का भाई यहाँ पे वैसे तो मजे थे भाई और भी सकते लोग डिज्नी वर्ल्ड वगैरह वो बुक कर लेते हैं आई थिंक सो बट वो बहुत एक्सपेंसिव होते हैं भाई नेक्स्ट लेवल पैसे लगते हैं नेक्स्ट लेवल बहुत पैसा होता है उनको तो यहीं पे यूसेज करनी होती है ये भी, भी बात ठीक है बस ये बहुत पैसा कमाना है पर मेरे को एक तो है कि अगर अपनी शादी हो या बहन की शादी हो मोमोज तो चाहिए चाहिए चाहे कुछ भी हो मोमोज वाला स्टोर सीरियसली यस आई वांट इट बिकॉज़ आई विल बी ईटिंग दैट आई डोंट केयर अबाउट एनीबॉडी एल्स एंड आल्सो आई विल बी लाइक मेकिंग श्योर कि नॉनवेज आइटम्स के लिए हम रख पाए अच्छा तुम्हारी शर्मा फैमिली आई डोंट नो पाप हो जाएगा बहुत तगड़े लेवल पे तुम्हारे गेस्ट खाएंगे नहीं भाई मैं तो वो ना... कर लेंगे या, जैसे वो कारोबार नीचे चलता है ना जैसे वहां पे दारू चलते वहीं पे चिकन, चिकन का भी कुछ करवा लूंगी मैं भी नीचे जा जाके टिक्के खा रही लू मंजीत मंजीत पाजे आए हुए वैन लेके अपने पीछे <laughs> टिक्के लगा के कि भाई आधे बेटे खिलाता हूं

I don't know. This is Do Chashmish Podcast bringing to you GK Game with Ashi. I swear, my theory. But okay, let's start with simple questions. Okay, Question number one, Ashi. I was shit. Sorry, 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 shit. Okay, okay. Okay, first question is What's the third planet from sun?

स्केल यूज करते था मारने के लिए सेंटीमीटर मिलीमीटर नहीं आता मुझे समझ में नहीं आता एक इंच में हां तो नहीं आता तो तुम तो मना कर दे एक इंच में कितने सेंटीमीटर होते हैं जल्दी सो सो नहीं पता नहीं एक <laughs> नहीं एक हजार नहीं भाई गलत हो गया भाई इतने इतने आंसर्स नहीं है भाई एक ही बार है जल्दी बता लास्ट

yes that is correct <laughs> 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 second largest state the kone hai kone si? question nahi, but second largest for the si Five, 4 three, africa two. Nah, africa is not a country it's a continent <laughs> canada is the second largest okay moving on moving on what is the largest state of india by land area इंडिया में लैंड एरिया में सबसे लार्जेस्ट स्टेट आई एम आईपी यूनिवर्सिटी की आंसर शीट इंडिया में सबसे <laughs> बता 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 इंडिया में लैंड एरिया में सबसे ज्यादा नहीं आता मुझे चल ठीक है ये कैंसिल हो गया फिर ये द आंसर इज राजस्थान और सेकंड इज एमपी अच्छा। थर्ड इज अच्छा। महाराष्ट्र पर राजस्थान इज द बिगेस्ट ओके तो मेरे तीनों आंसर सही हैं तीन तीन अभी तक ठीक है अभी तक ठीक है अच्छा टो इन टोरटो कौन से प्रोविंस में ओशवा <laughs> नहीं।, <laughs> नहीं ये तो देखो तो पता होना चाहिए भाई मैं यहाँ रहता हूँ ब्रो <laughs> बताया ओशो ही तो होगा नहीं ओ सही ना गलत हो गया ओंटेरियो

अरविंद केजरीवाल ओके हाउ मेनी प्लेयर्स प्ले इन टीम एक सॉकर मैच में कितने प्लेयर्स होते हैं ऑप्शन देता हूँ पांच दस ग्यारह या तेरह एक टीम में कितने लोग होते हैं तेरह गलत ठीक है मूविंग ऑन आंसर आंसर ग्यारह आंसर ग्यारह ग्यारह ठीक है ओके मॉडर्न ट्रैफिक लाइट्स मॉडर्न ट्रैफिक लाइट्स कौन से कलर होते हैं और उनको उनको ऑर्डर में बताना है। रेड येक्ट में सिंपल क्वेश्चन हो गए ठीक है अभी बाकी बचे ओके नेक्स्ट इज व्हाट शेप इज द थ्योरम बेस्ड ऑन एंड योर ऑप्शंस आर सर्कल ट्रायंगल और रेक्टेंगल ट्रायंगल दैट इज करेक्ट स्कल टू पी स्क्र प्लस बी स्क्

I Honestly, I don't remember. But yes, You are right. You are right. Okay. Uh, next question. What is mitochondria? Power of the cell. <laughs> yes, that is correct. Seven answers. Oh boy, Okay. Next question. In the year 2022, how many teams are going to play in IPL? I don't know. 12. No, wrong. 10. Okay. Moving on. Okay. <laughs> okay. Next question. वट इज द फुल उछलना हाँ ठीक है गलत 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 आंसर आंसर जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी ये कोई बात होती है भाई यही तो बात होती है तो कोई यही नहीं होता अच्छा तो जो लगता था जवाहरलाल नेहरू कैसे बात जे एन यू करके भाई यूनिवर्सिटी का जे एन ब्रो वा अच्छा नेक्स्ट 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 ऑन विच डेट On which date and year did Pakistan get its independence? Pakistan's independence day Nineteen forty-eight. Date and year. Jaldi batao. Sixteen August nineteen forty-eight. That is incorrect. Ka Pakistan's ka independence day is fourteenth August nineteen forty-seven. उन एक दिन पहले अच्छा, इंडिया के अच्छा एक दिन अच्छा, पहले आ, आ, एक यही, दिन तो यही तो बात यही तो बेटे ये सात आंसर्स करके ना वही जो हुआ ना पता है, है क्या एक दिन पहले एक दिन बाद तूने पूरा एक साल आगे कर दिया 1948 बोल के ठीक है अच्छा ओके नेक्स्ट 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 व्हाट इज द पीरियडिक सिंबल फॉर गोल्ड गोल्ड का पीरियोडिक सिंबल क्या है या या यू आर अ

तो ठीक है, है, है भाई अभी तो बहुत इजी इजी क्वेश्चन बचे हुए आगे ठीक है नेक्स्ट इज हु इज द करंट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ये सब नहीं आता मुझे प्रेसिडेंट हाँ मुझे को नहीं पता ना तो नहीं पता ठीक तो है रामनाथ कोविंद इज द राइट आंसर मैं नहीं बताता ये अच्छा एंजाइटी में नेक्स्ट 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 नेक्स्ट

उन्होंने okay. so, उस दिन जीसस क्राइस्ट का और उसके 3 दिन बाद ईस्टर डे पे ऑन क्योंकि ईस्टर में जो संडे को आता है तो ऑन द संडे ही केम बैक तभी क्रिश्चियंस जो संडे को चर्च जाते हैं हमेशा ठीक है दैट इज वन ऑफ द रीजंस एनीवे गुड 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 गेस सो दैट इज एट क्वेश्चंस करेक्ट यू वाले के मार्क्स दे दो यार ए यू नहीं भाई उसके नहीं वाले, वाले के मार्क्स दे दो यार <laughs> अच्छा सुन यार सुन सुन सुन, 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 सुन. आशी तेरे वैसे आठ ठीक है दस पे तू जीत जाएगी लेकिन फिर भी लेट्स लेट्स टेक इट टू फिफ्टीन ठीक है लेट्स लेट्स टेक इट टू फिफ्टीन पंद्रह पॉइंट्स नहीं पंद्रह पॉइंट्स hmm. में अगर तू अगर पंद्रह पॉइंट्स कर लेते तो फिर तू हंड्रेड रुपीज पक्का जीत गई ठीक है उसके बाद एनी पैसा लूज कर रहे yeah. तो कर दी कर दी उधर आगे तो सुन आगे तो सुन, चल गया हाउ मेनी ये इजी क्वेश्चन है क्या? और जल्दी बताने भाई इसमें अब तेरे पास ना टाइम कम है ठीक है टाइम धीरे धीरे कम हो रहा है ओके नेक्स्ट क्वेश्चन हाउ मेनी इयर्स आर इन टू डेकेडेंटी थ्री दैट इज करेक्ट नाइन आंसर हो गए तेरे हाउ डू यू स्पेल हैंक अचीव दोबारा बताइय करेक्ट दैट इज करेक्ट स्पेलिंग अच्छी करती हूँ दस दस तेरे हो गए ठीक है कहाँ तक आंसर कर सकते तू ठीक है जितना डरती है इतना है नहीं मुश्किल ठीक है ओके नेक्स्ट इज हाउ मेनी बिलियन आर इन वन ट्रिलियन ये सब नहीं आता मुझे सॉरी बता सोरी तो, तो जीरो हाउ मेनी बिलियन एक ट्रिलियन में कितने बिलियन होंगे दस नहीं गलत फिर हजार, फेर हजार, हजार हजार ओके वट इज द स्मॉलेस्ट स्टेट इन इंडिया यार ये सब क्यों पूछ रहा है बता ना? तो मुझसे बताना तो प्रॉब्लम है मुझसे इजी है ये तो स्मॉलेस्ट स्टेट इन इंडिया हाँ But the si <laughs> <Gande -gande> reaction <laughs> is small <laughs> <laughs> Kya, <bhai>? <laughs> <laughs> <Thik> hai, Okay. <laughs> na, Goa. Okay. Next. What is the value of pi? Three one one four. Yes, that is correct. 11 Twenty two by seven. Okay. <laughs> what is the which is the smallest continent of the world? <laughs> bata, bata, bata.

तो नहीं होते हैं चार ही होते हैं ईयर थ्री पूरे ईयर में पूरे लीप ईयर में कितने हफ्ते होते हैं जल्दी नंबर दो में को. एक five, एक four, two, मेरे को पेन पेपर तो भाई हो गया हो गया हो गया मतलब है इस बात लीप ईयर में भी फिफ्टी टू होते हैं नॉर्मल ईयर में फिफ्टी टू होते हैं

5, 15 11, 3 12 2 S X X v. that is correct 14 that is correct to 15th, what? 15th नहीं, कोई, नहीं, कोई, नहीं, okay what is the largest animal uh, or what is the, what is the largest mammal in the world whale which whale blue whale correct okay 15 <laughs> questions theek next <laughs>

How many? Okay, next question. How many bones are in a human body? 206. But once I'm done with you, still 206. <laughs> that is correct. 206. Uh, next. Uh, what is the full name of Mahatma Gandhi? मोहनदास करमचंद गांधी ऑल्सो नोन एज अमिताभ बच्चन के फादर साहब इफ यू हैव सीन दैट प्रीवियस रील दैट वी पोस्टेड ट्रू 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 ठीक है देयर सो सो 17 क्वेश्चन हो गए आई थिंक करेक्ट ओके व्हाट इज सॉरी नेम अ कंट्री स्टार्टिंग विद द लेटर पी पी 5 पांडिचेरी पापा पंडारा पेंडोरा वन पेरिस जीरो नहीं पैरिस इज नॉट ऑल्सो कंट्री दी आंसर कुड बी पाकिस्तान पैनवा भाई हमारी ऑडियंस आशी वहां पे तक होता तो ना हमारी कम से कम 12 बार नोटिस लेके आई आई के एम के बी एज वेल लो भाई क्या हो गया इंडिया का भी बोल दिया नहीं बोल मत भाई <laughs> ये कटवा रहे हैं हम कटवा रहे भाई पूरी दुनिया का एम के बी एज जो भी है भाई हां अच्छा नेक्स्ट चार क्वेश्चन गए लास्ट के हु इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ कनाडा 5 वर्ब 4 3 बोरिस जॉन बोरिस

भाई पुतिन पुतिन व्लादिमीर व्लादिमीर तेरे ठीक है out of 35 questions. Great job. मैंने अपने बाकी दोस्तों के के साथ टेस्ट किया ब्रो किसी के भी सत्रा से ऊपर नहीं आए तेरे 17 के ऊपर आए हैं आराम से मतलब तेरे मैं लास्ट में कन्फ्यूज हो गया था अठारह हुए उन्नीस में बीस हुए बट द मैक्सिमम किसी के आंसर कर रहे हूँ ग्रेट जॉब भाई साहब

Would you rather get a text from one night your one night stands that says I'm pregnant, yeah, or I have an incurable STD? <laughs> you have an incurable like STD? No, 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 huh. Would you rather get a text from your one night stand? to just one night huh. stand. Hai. Get huh. a text from that person that I am pregnant, or yeah, oh. I have an incurable STD. Oh shit! Tick Tick

Then here, keep my partner having an affair. That's you know, it's like. Hmm. Ki bro, would you yaar. rather let your parents arrange your marriage or marry your ex? <laughs> uh, marry my ex because choice choice will you so even if she's wow, my ex, wow, if she would have been your choice, hai. she would have been in your life. Just saying, but okay, okay, <laughs> okay, <then>. oh, okay, meme <laughs> okay.

Oh like uh, I am, I am like <laughs> भैया <laughs> <laughs> <Driver भी> <laughs> भैया क्या कराया बाहर <laughs> क्या भैया <हो> <laughs> सोच उनकी कैसी बात हुई होगी सलमान खान घर आया होगा पूरा फुल मतलब ऐसी और आती है अपने ड्राइवर को भाई क्या करके आया तू बाहर चार बंदे मारती तू <laughs> मैंने चार बंदे मार दिए <laughs> वो मैंने मैं... वो मूवी देखी थी यार टाइगर वाइट टाइगर उसमें वो सेम सीन ही तो था कि उसकी बीवी से एक्सीडेंट हो जाता है Spoilers. और उनके ड्राइवर को कहता है कि ब्रो यू हैव टू टेक द ब्लेम साइन कर इस पे और उसने कर दिया सो दैट इज बेसिकली द थिंग कि पूरा वो असली लोगों को बिठा वाओ वाओ दिस इज लाइक वन ऑफ द थिंग्स बट ओके नेक्स्ट क्वेश्चन इज वुड यू रादर

हैपन <laughs> वो तो क्या होता है वो नॉर्मल में बैठे होंगे उसके बाद एकदम से एक बमची के ऊपर आएगा और फिर दूसरा लात ऊपर आएगा और फिर आवाज आएगी No! बुरी लेवल पे like <laughs> बड़ा भाई। और एक तो भाई जब छींके मारते हैं जो तगड़ी होती है भाई एक दिन हमारे लेटर नीचे ना वो हमारे मांटे मामा वगैरह गली में रहते हैं वो गए <laughs> <laughs> कहते

mad genius ah oh, no Actually, ha, nah, mad genius 100% mad genius bro popular okay. and dumb are too many people popular and dumb and I don't know I don't wanna be that person but you are okay so yeah. would you rather sleep with someone on the first date or wait for 6 months 6 months easy very easy choice easy yeah I, I, I'm not a very like good job bed first that kind mm. of guy would you तो rather find your pack कर रही है भाई ते, तेरे को मैंने कभी ऐसे किया फर्स्ट डेट पे जाके कि भाई कि वो चल भाई लाइक <laughs> like, ऐसे पहले क्या किया वो मुझे क्या पता मैं हाँ। तो वो थी ना बच्ची थी ना अच्छा अच्छा बिल्कुल would you rather find your passion or the love of your life both both और अच्छा वुड यू रादर क्वेश्चन इट्स नॉट अ condition कि अरे आपको चाहिए जी फिरबाजी और फवादो जी ये चाहिए होच नहीं मैं दोनों ले लूंगा जी कितने का है ऐसे कुछ नहीं चल रहा है uh I it's a very hard one especially like right now when i'm actually looking for my passion properly and like i'm like very I, that's why i added this question just wanted to know a few things yeah. yeah so uh i think it's so hard because i'm a passionate person as well as i'm very like also romantic so

Uh, the next question is uh, be a comedian or a mag magician be a comedian or a magician a uh, comedian because making people laugh is better than surprising people all right that's it we are done with the game it? Well played well played yeah, you er? answered

हमारे आगे बहुत बढ़िया बढ़िया गेस्ट आने वाले हैं एक गेस्ट अप्रूव हो चुका है इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं बताऊंगा इसी के अंदर एक हिंट है कि कौन आ सकता है इसके अलावा मैं तुमको अगर समझ आ जाएगा आ जाएगा नहीं आएगा कोई बात नहीं तुम फिफ्टी एपिसोड देख लेना फिफ्टी एपिसोड आने वाला हमारा भाई दो चश्मिश की हाफ सेंचुरी पूरी होने वाली है एंड एंड इसी के साथ हम लोग बहुत से एक्साइटिंग चीज़ें प्लान कर रहे हैं आगे के फ्यूचर में क्या क्या होने वाला है सो मेनी थिंग्स हैपनिंग सो सोज Stay tuned, ट्यून्ड मजे आने वाले हैं बहुत मजे आने वाले हैं एंड आप लोग के साथ ही हैं हम जो भी है and चलो चलो कीप लिस्निंग टू दोस्त में पॉडकास्ट एंड आपको पता चलता रहेगा कि क्या क्या होने वाला है क्योंकि आपको ही बताएंगे और किसको बताना है सो टेक केयर विल सी यू नेक्स्ट वीक एंड बाय 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 दो चश्म पॉडकास्ट